Hey, what's up guys? Welcome to another video on study stuff. So this video is something different and I don't know how many of you guys will be able to relate to this, but since I'm in ninth, I can give you the study material of many chapters. So this is what it is all about. This is about a poem which I'm going to be explaining to you guys. So those of you who are not in ninth grade or who have already passed out ninth grade, I don't think this will be useful for you, but still there are some people who for whom this might be useful. So let's begin. So basically this poem ka naam hai Agneepath. और अग्निपथ का बेसिकली ओके सो बेसिकली मैं तुम्हें ओवरव्यू बता देती हूँ कि ये पोम किसने लिखा है और क्या है. तो दिस पोम इज़ रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन, एंड आप सबको पता चली गया होगा कि हरिवंश राय बच्चन कौन है. ही इज़ द फादर ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन. सो इन्होंने ये पोम लिखा है और ये इस कविता का बहुत ही डीप मीनिंग है जो शायद ही हम सब समझ पाए. सो लेट्स बिगिन. अग्निपथ. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो पड़े, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. तो बेसिकली अग्निपथ का मतलब होता है यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है. तो पथ का बेसिकली मतलब होता है रास्ता और अग्नि का मतलब होता है आग. तो अग्निपथ का मतलब होता है आग से भरा हुआ रास्ता. तो आग से भरा हुआ रास्ता से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि वो रास्ता बहुत संघर्षमय होगा, उसमें बहुत सारे यू नो ट्रबल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, डिफ़िकल्टीज होंगी जो हम सबको फेस करनी होंगी. दैट्स द मीनिंग ऑफ अग्निपथ, संघर्ष से भरा रास्ता, आग से भरा रास्ता. सो या अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो भरे. इसमें इन दो लाइन का मतलब ये होता है कि अगर वृक्ष तुम्हारे सामने हो भी, अच्छे घने वृक्ष हों तुम्हारे सामने, खड़े भी हों, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत, मतलब कि उनसे तुम कुछ मांगो मत, अपने आप पर इंडिपेंडेंट हो जाओ. सो बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मतलब वृक्ष का एक फंक्शन ही होता है कि वो हमें छाया दें, तो इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे नहीं लिया जाएगा. यहाँ पे है वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो भरे, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी लग्जरियस लाइफ हो तुम्हारे सामने, तुम उसी लाइफ को चुनो जिसमें डिफ़िकल्टीज हो, क्योंकि वो तुम्हें और भी वो तुम्हें और भी शक्ति देती हैं, वो तुम्हें और भी स्ट्रांग बना सकती हैं आगे के लिए. सो वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी लग्जरियस लाइफ है, बहुत लग्जरियस लाइफ है, मतलब तुम्हारे सामने एक लग्जरियस लाइफ भी है और डिफ़िकल्ट लाइफ भी है, तुम कौन सा चूज़ करोगे? ऑब्वियसली हम सब लग्जरियस लाइफ के लिए जाएंगे, पर कभी ये कहते हैं कि लग्जरियस लाइफ ना चूज़ करके तुम उस लाइफ को चूज़ करो जिसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, इससे तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ेगी और आगे के लिए बहुत सारा काम आएगा. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. सो बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि अग्निपथ को बार बार दोहराया क्यों गया, मतलब अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यहाँ पर भी अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, और आगे की दो पैराग्राफ्स या दो स्टैंडर्स में भी अग्निपथ अग्निपथ को रेपिटेशन हुआ है. तो उसका रेपिटेशन क्यों हुआ? बेसिकली उसका रेपिटेशन इसलिए हुआ कि वो एम्फेसिस दे, बार बार हमें यह याद दिलाए कि हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन का जो रास्ता है वो संघर्ष में है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, लाइफ इज़ नॉट ईजी, एंड तो वो बेसिकली ये अग्निपथ जो मतलब ज़्यादा एम्फोसिस उस पर दिया गया ताकि वो हम पे मतलब कुछ असर हो उसका, कि हमारा लाइफ इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट इट्स फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज. ओके, दूसरा स्टैंजा, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना बुढ़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. इसका मतलब यू शुड नॉट गेट टायर्ड और स्टॉप और टर्न बैक, you should promise, you won't give up, you will deal with your problems, you will always reach out for your dreams. तो basically यहाँ पर भी उसका literal meaning लिया जा सकता है, मतलब ये तू ना थकेगा कभी, you should not get tired, तू ना थमेगा कभी, you should never stop reaching out to success, you should always try hard even if you fail 100 times, because trying hard will definitely reach you to success. तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ,
चाहे तुम 100 बार ही क्यों ना फेल हो जाओ, तुम पीछे मुड़कर कभी मत देखना, बस आगे अपनी गोल की तरफ देखो। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, तो ये दृश्य कौन सा है, कवि कौन से दृश्य के बात कर रहे हैं? कवि इस दृश्य के बात कर रहे हैं कि मनुष्य चल रहा है और आँख में आंसू है और स्वेट से एकदम लथपथ है, पसीने से एकदम लथपथ है, फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। दिस सीन इज ग्रेट वेयर ह्यूमन इज वॉकिंग ऑन हिज पाथ विद टीयर्स एंड स्वेट बट येट ही इज नॉट स्टॉप्ड, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वो दृश्य बहुत महान होता है, वो सीनरी बहुत महान होती है, जहाँ पर एक इंसान चलता जा रहा है अपने गोल की तरफ, एकदम रुक भी नहीं रहा है, चाहे वो उसके यहाँ पर अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाएगा कि वो स्वेट और टीयर्स से भरा हुआ है, इसका हम इनडायरेक्ट मीनिंग ले सकते हैं कि वो उसके आगे कितनी भी कठिनाइयाँ हों वो कभी रुक नहीं रहा है, मतलब कि वो आगे जाने से रुक नहीं रहा है, वो अपने सक्सेस के पास से वो रुक नहीं रहा, मतलब उसे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, द सीनरी इज ग्रेट वेयर द मैन इज रीचिंग आउट टू सक्सेस, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उसके आगे उससे उसके आँखों में आंसू भरी हैं एंड वो पसीने से लथपथ है, यानी कि वो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कठिनाइयों का मतलब कि उसे फेस करनी पड़ी है। तो उन सब चीज़ों के बाद भी वो अपने होप उसके पास होप है, वो होपलेस नहीं हुआ है अभी तक। सो दैट इज़ व्हाट ही मींस। तो ये बस बहुत एक छोटा सा पोम है बट इसका बहुत डीप मीनिंग है। एंड यस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो बेसिकली मुझे अभी ये बात पता चली है कि दिस वीडियो हो सकता है ये 9th का ही एक चैप्टर हो, एक 9th ग्रेड का ही एक चैप्टर है, पर फिर भी ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दिस इज़ वी कैन टेक इट एज अ मॉरल वैल्यू। तो दिस वीडियो इज़ मॉरल वैल्यू।